हाय फ्रेंड्स, मैं अंजलि पंडित। आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है लिट्टी चोखा, जो कि बिहार का बहुत ही फेमस डिश है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, लिट्टी बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तो लिट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए चने का सत्तू, धनिया पत्ता, ऑयल, बारीक कटी हरी मिर्च, नमक, हल्दी, लहसुन बारीक कटी, अचार का तेल, अगर आपके पास अचार नहीं है तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, काला जीरा और ये अजवाइन, और ये जीरा और काली मिर्च को कूट लिया हमने अच्छे से। हमने यहाँ पे लिया सत्तू, चने का सत्तू। तो अब मैं इसमें डालूँगी मंगरेल, जो कि काला जीरा है, मंगरेल, ये जो हमने काली मिर्च और धनी और जीरा को अच्छे से कूट लिया था वो है। अजवाइन, मिर्ची, हल्दी, ये रहा लहसुन, पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम चोखा में यूज करेंगे। ये रहा अचार का तेल, नमक, धनिया पत्ता। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें और थोड़ा सा पानी डालूंगी। ठीक है, हमारा जो स्टफिंग है वो तैयार हो चुका है। ये हमने आटा लिया है लिट्टी के लिए। अब मैं इसमें मंगरेल डालूंगी। नमक डालूंगी। नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि हमने सत्तू में ही नमक डाल दिया था। ये हमने ऑयल डाला मोइन के लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है इसको, ना ज़्यादा टाइट रखना है ना सॉफ्ट रखना है, मीडियम में ही रखना है। अब इसको हाथ से अच्छे से इसको मसलना है। पंद्रह से बीस मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। जब तक हमारा डो सेट होगा तब तक हम चोखे की तैयारी कर लेते हैं।
चोखा बनाने के लिए हमें चाहिए बॉईल किया हुआ आलू, बैंगन, कढ़ी पत्ता, टमाटर बारीक कटे हुए मीडियम साइज के, राई, धनिया पत्ता, प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, हल्दी, लहसुन बारीक कटा हुआ, नमक और सरसों का तेल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चोखा बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे कढ़ाई ली है, गैस को हमने ऑन कर दिया। कढ़ाई जो हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। पूरा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। ऑयल जो था वो गर्म हो चुका है, मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूंगी। इसमें थोड़ा सा राई डालूंगी। देखिए लहसुन का जो कलर था वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। देखिए प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। अब इसमें नमक, हल्दी इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको मीडियम आंच पे करके इसको 2 से 3 मिनट तक ढक कर छोड़ देना है। तब तक के लिए बैंगन और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए बैंगन और आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें बैंगन और आलू जो मिक्स किए थे उसको हमने इसमें डाल दिया। डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है और 2-3 मिनट के लिए इसको पकाना है। धनिया पत्ता डालेंगे। अब गैस को ऑफ कर देंगे। चोखा जो है हमारा रेडी हो चुका है। 20 मिनट हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा मसलूंगी, उसके बाद में इसका बॉल्स बनाऊंगी। हमने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लिया है क्योंकि बॉल्स बनाते वक्त थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा आटे का, सूखे आटे का। अब मैं इसको कटोरी का शेप दूंगी। देखिए बिल्कुल ऐसा। अब मैं इसमें स्टफिंग भरूंगी।
स्टफिंग भरने के बाद इसका मुंह को इसके मुंह को ऐसे करके बंद कर देना है। देखिए ऐसे ही करके सारे बॉल्स को बना लेना है और स्टफिंग को भर लेना है। ये जो हमारा लिट्टी है बन के तैयार हो चुका है। अब हम आग जलाएंगे, तो आग कंडे का जलाएंगे, यदि आप चाहें तो कोयले का भी जला सकते हैं। देखिए अब आग हो गए, अब इस पे एक एक करके सारे बॉल्स को डाल देंगे। और इसको हर एक एक मिनट पे पलटी करते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। देखिए ऐसे ही करके सारे लिट्टी को पलटी करते रहना है ताकि लिट्टी जले ना नीचे से। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो लिट्टी है वो हो चुका है। अब मैं इन सबको निकाल लूँगी। ऐसे ही करके सारे लिट्टी को निकाल लेना है। देखिए हमारा लिट्टी जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको साफ कपड़े से, कॉटन के साफ कपड़े से इसको अच्छे से साफ करूंगी। आप चाहे तो तकिए कवर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे तकिए कवर का यूज किया है। अब हम इसको ऐसे ऐसे करते हुए इसको अच्छे से साफ करेंगे। देखिए हमने लिट्टी को अच्छे से साफ कर लिया। अब मैं इसमें घी लगाऊंगी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप रिफाइंड तेल का भी यूज कर सकते हैं। घी को हमने अच्छे से मिला लिया है। हमने इसको सर्व कर लिया है। अगर आपको लिट्टी और चोखा बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।